जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के ब्लॉग्स में। अभी 3 बज रहे हैं दिन के, यानी कि शाम के 3 बज गए हैं। तो मेरे बुआरियाँ आ रखी हैं दोनों, हंसी और गीता, वो आ गए थे 2 बजे। तो वो बना रहे अभी दिन का खाना, क्योंकि मैं काम पर लगी हुई थी। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि पर्दे वर्दे धुल रहे हैं, घर की सफाई हो रही है। सफाई तो मैंने कर ली थी घर की सारी, पर आज मैंने पर्दे धोए तो उस वजह से मेरे को लेट हो गई। वो बना रहे खाना क्योंकि मैं थक भी गई हूँ, और वैसे वो भी वो यहाँ पर आते हैं तो खुद ही बनाते, भाई चाय भी अपने लिए खुद बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो है अभी किचन में, दोनों जने लगे हैं काम पे। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उन लोगों को। ये देखो यहाँ पे जय श्री कृष्णा, भी बोलो कुछ। तो ये दोनों तो क्या काम पर लगे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। वो रोटी बना रहे, बन गई? बन गई यार। गीता तो बहुत देर से बना रहे हैं रोटियाँ, तो इनकी रोटियाँ बन गई। खाने की शुरुआत हो रही थी, मैंने कहा हंसी को खाना दो, तो अब वो रायता बना रहे, तो एक आइटम वो भी हो जाएगा। नहीं तो सब्जी बना रखी है गांव की, अरवी की सब्जी डिमांड करी हुई थी हंसी ने कि मेरे को गांव की अरवी खानी है, तो अरवी की सब्जी है और उसके साथ मैंने कहा रायता बना लो थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी चीज़ नहीं है ना, जितनी आती है उतनी रखो। तो ये लोग बना रहे हैं यहाँ पर, बन गए हैं बस, अब इन्होंने रायता बना रहे। वो निकाल दिया नमक, काला नमक यहाँ पे है, काला हरी मिर्च काट लो, ये इधर होगा क्योंकि हाँ 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 इसमें ही रखा मैंने, काला नमक रख के ना अच्छा लगता है थोड़ा सा काला नमक। राई है ही नहीं हमारे घर में, है पर अभी पता नहीं काला नमक कहाँ से ला रखे हो। ये अच्छा नहीं है? हाँ अच्छा है, यहीं से पिसा हुआ, ये पिसा हुआ ऐसा तो चूरा जैसा रहता है ना, पर वो अलग। हाँ नहीं हम यहीं से लाते हैं, पर इस बार 1 किलो ले आई मैं पूरा। अच्छा पूरा किलो का ले आई, डब्बा भर रखा है उसमें से निकालते रहते हैं इसमें, बार बार हम खा रहे हैं। हम ना काला नमक ज़्यादा, मतलब काला नमक ही खाते रहते रहते हैं। चलो रायता बनाओ फिर रखना, ठीक है? ठीक है ठीक है, हाँ बनाओ बनाओ। किचन भरा भरा हो गया आज, अच्छा लग रहा है। भाई इनको नहीं बोलती मैं ये काम नहीं करना करके, और सबको बोलती हूँ पर इन दोनों को ही नहीं बोलती हूँ। ये आते हैं बाद में, पहले चाय भी खुद बनाते हैं, पानी भी खुद पीना, खाना भी बनाना, मतलब मेरी हेल्प करते हैं। भैया अब क्या बोलूँ, हरी मिर्च काट दो तुम। हाँ वो मत रखना, हरी मिर्च रखो, तभी बारीक काट देना उनको। चलो ठीक है, और भोजन भी यही रखेंगे। लाओ लाओ चलो। लोग आए हैं मुझे दिवाली देने के लिए, और ये एक आ रखा है यहाँ पर युवराज सिंह, ये दिखाती हूँ उसको आप लोगों को, युवराज सिंह। और ये आया तब से, देखो किस लिए आया था तू यहाँ पर? बुआ से तो नमस्ते करी एक बार बस, छोटी सी नमस्ते से हो गया बुआ से मिलना? नहीं। तो किस लिए आया था बताना ज़रा? दिवाली गिफ्ट। तो मेरे को तो कहा भी नहीं कि बुआ मैं दिवाली गिफ्ट ला रखा हूँ, तब से लगा हुआ रील्स देखने में इसमें। हाँ मैंने देखा था तुमको बारिश पसंद है, क्या कौन सा गाना हो वो गाना सुना था मैंने अभी। अरे वो तो ऐसे ऐसे ही बोलू मैं भी, कर कर आराम। आज तो संडे है ना, कल जाना स्कूल, तो छुट्टियाँ कितने दिन की? मिली नहीं है, कल जाना है। गोरा लग रहा तो चिट्टा एकदम, कैसे गोरा हो रहा है इतना, बहुत गोरा हो रहा है भाई हैं। और इधर मेरा बेटा, ये हेलो तो कर दे बेटा, वाह। अब इससे अलावा कुछ नहीं, और खाना बन गया, मामी लोगों ने बना दिया तेरी, ठीक है भोजन करो उसके बाद। हाँ, जिसमें दे रहे दे दे, दे, दे। सब्जी कम तो नहीं होगी? ठीक है। तो यहाँ पे भोजन बन के तैयार हो गया है, और ये लोग हंसी बांट लिए वहाँ से। गिर गए नीचे? नहीं नहीं। अच्छा तो इन्होंने कहा हम टेबल पर नहीं खा रहे, नीचे ही बैठ के खाते, और बिछाया भी नहीं यार, मैं भी भूल गई, अरे दरी थी यहाँ पे, तो ऐसे ही बैठ गए हम जमीन में। और मेरे को दे दी आज, मेरे को दे दी कढ़ाई, फैन भी चल रहा है, मेरी वीडियो आ रखी है, मतलब वीडियो अभी अपलोड करी थी जो वो भी देख रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है। तो हम करते हैं भोजन की सब्जी टेस्ट करो,
फिर बताना यूवी यूवी बताइयो रोटी के साथ का रायता मिल गया तुझे प्लेट ले आते नीचे से रायता बना रखा है रायता यहीं का है खीरा और अरबी की सब्जी है गाँव की कैसी बन रही है अच्छा सब्जी तो तुम्हें बनाई और पीछे देखो कपड़ों की तय लगा दी है हंसी ने लगाई नहीं तो इन्होंने शाम तक ऐसे ही रहना था गीता ने आटा गूंदा रोटी बनाई हाँ मेरे को कम कम ही देना तुम ले लो कटोरी में ले लो कटोरी ले लेते ना रायते के लिए प्लेट में कैसी हो रही है दिन खाया नहीं खाए ये तो खाता ही नहीं है फिर अच्छी क्या नहीं है तो मतलब सब्जी अच्छी लग रही है ना ये तो खाता ही नहीं है आज ही खा रहा है तुम्हारे साथ दिन का खाना भी नहीं खाता है अरे अरबी भी नहीं खाता दिन की खाना ही नहीं खा रहा है आज खा रहा है इसने सुबह एक फैन खा रखा बस कम खा रहे कम अच्छी हो रही है बहुत बढ़िया है परसों मुझे भी अच्छी लगी उस दिन बनाई थी ना तो अच्छी लगती है अब रेसिपी पूछेंगे अरे ये ताजी अरबी है ना ताजी बिल्कुल अभी परसों तो निकाली खेत से उसका भी तो फर्क पड़ता है फिर ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है तो उससे भी फर्क पड़ता है अच्छी हो रही है टेस्ट सी बिल्कुल वो सोच रही मेरे हाथ में टेस्ट है ये बैठे उधर रोटियां ले लेना और आज गीता नई ट्रिक से मक्खन निकालना सिखा रही है हमको तो आप लोग भी देखें कैसे कर रहे मैंने चम्मच से को इसमें डाला है मक्खन को मतलब वो मलाई को आपको मलाई भी मुझे पतला सा नजर आ रहा है कैसे फुल मोटिफाई नहीं वो भी है ना फिर ये मैं वो करती हूँ इसको हिलाते रहती हूँ इसको मैंने दही डाल रखा है तो जो इसकी छाछ निकलेगी वो बेकार नहीं जाएगी तो मेरा तो ऐसे बिल्कुल हो जा रहा था वो वैसा मतलब निकल हमसे माल वो मक्खन हाँ ऐसे करके ही थोड़ी सी ऐसे मतलब तुम दही डालना मैं ना मैं दही डालना सर हाँ मैं दही रखती हूँ ना तो हिलाती जाती हूँ जितने बार दही रखती हूँ अच्छा तो जो है इसकी लस्सी बनेगी वो काम आ जाती है खाने का काम आ जाती है नहीं उसमें दही नहीं डालती मैं अच्छा उसको ऐसे ऐसे करो तो मोटा मोटा और मोटा सा हो जाता है वो रेनू भी इससे बनाती टोंड से बनाती हूं अच्छा टोंड भी इतना कहां है नहीं अब तो सब रेनू के टोंड का ही बनाती तो ये लोग मेरे लिए ला रखे हैं दिवाली का गिफ्ट तो दिखाती हूँ ये लोग क्या लाए हैं पिछले साल तो मैं सोना निधि को ऐसे बोलती रह गई आए हैं मेरे को दिवाली देने आए हैं पर मैं दिखाना भूल गई कि मेरे लिए क्या लाए हैं तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये लोग क्या लाए हैं चलो आ जाओ इधर आओ हैप्पी दिवाली थैंक यू दिवाली टू ऑल ऑफ यू तुम्हें भी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इसी तरह दिवाली का त्यौहार आप मनाते रहें अच्छे से रहें खुश रहें सदा और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि शांति आए और ये गिफ्ट मेरे लिए लाए हो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है खुशी की बात है देखो ये त्यौहार भाई के घर से कोई छोटा सा गिफ्ट आया चाहे बहुत बड़ा है बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है तो ये है मेरे लिए छोटे भाई की तरफ से अब दिखाती हूँ बड़े भाई की तरफ से ये हैप्पी दिवाली तुम्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की और ये त्यौहार बार बार आए हर त्यौहार पर मेरे घर पर आओ तुम्हारे घर में सदा खुशियाँ आए सुख आए समृद्धि आए शांति आए बहुत सारा प्रेम रहे तुम्हारा और मेरा बना रहे तो इसी तरह त्यौहार पर आते रहोगे बहुत अच्छा लग रहा मेरे को दोनों आए और अब बिजी रहेंगे बहुत और जगह भी जाना होगा हाँ तो गीता अभी जा रहे हैं अपने भाई के घर क्योंकि वो यहीं पर रहते हैं थोड़ा सा दूरी में और हंसी अभी यहीं है फिर ये चाय वाय बनाएंगे हमारे चाय पिला के चाय पी के यही बनाएंगे चाय तो ये गीता तो वहीं जा रहे हैं तो वहीं जा रहे हो हाँ। अच्छा चलो ठीक है फिर बाय बाय कर दो मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को हाँ ये जा रहे हैं घर पटाखे नहीं लाने चाहिए यार यू भी सही में पॉल्यूशन देख रहा कितना हो रहा चलो ठीक है बाय बाय फिर तेत आएगी खुश हो बाय बाय चलो बाय करो बाय करो बाय करो तुम्हारे पीछे पीछे आ रही मैं बाय 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 त्यौहार में खुशी होती है भाई अपने घर पे आए हो अच्छा लगता है ठीक है अभी वेल रवि और वेल नहीं यही आएंगे पर मैं कथूला चलो हो तुम्हें भी हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली बाय बाय
बाय। ये चेक करने लग गया मेरे भाई का दिया हुआ गिफ्ट। क्या चेक कर रहे हो तो बताओ? तो थाली का किसकी है करके? सोने की थाली दे रही है मेरे भाई ने। मतलब वो लामा मदर पे उन लामा है सब। क्यों लामा मोरे पीला तो पीला पीला तो कबो चढ़ाई पन्नी पन्नी चढ़ाई है फिर थाली है। वो थाली में थाली तो अच्छी बात है ना। वो देते क्या बोलते हो वैसा वो पैकिंग वैकिंग देते हैं टोकरी देते तो काम भी नहीं आती तो काम भी आ जाएगी। और ये हैं सेब, दो किलो सेब है। अच्छा ये है नाक, ये एक किलो होंगे मेरे ख्याल से। है तब तो लाए हैं कह रहे मेरे भाई। कैसे लगा तुमको गिफ्ट है मेरे भाई, भाई कहाँ लाइए लाए हंजियर हो तो वो लाए कहीं जाते नौकरी। मेरे भाई का पैसा है वो चाहो दे मेरे भाई का तो पैसा है। भाई आया और नहीं आया वो तो कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो कहती भाई आया। एक ही तो आता दोनों में से एक जना आता तो एक ही फिर तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते फिर। कौन बड़ा ही बड़ा आता आ जाता तो बड़ा भाई को आने चाहिए ना फिर। छोटा ऑफिस ड्यूटी गया होगा अपने। ये निकाल दिया गीता ने मक्खन, उनको जल्दी हो रही थी। मक्खन मक्खन निकाल के चले गए हैं अपने भाई के घर। तो इसे हम निकाल रहे हैं अब कटोरी में लड्डू के लिए यानी कि मेरे वासु के लिए और थोड़ा सा अपने भाई के घर भेजूँगी केशु के लिए। चलो हंसी तुम निकाल दो। तो निकाल रही अपना ही ले आओ। ये है केशु का। इसमें मैं क्या लाई थी, खीर लाई थी उसी इस वाले टिफिन में। तो इनके बर्तन अलग से होते तो मैं बोली इसमें निकालो, थोड़ा सा मेरे वासु के लिए रख देना, थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। क्योंकि मैं हाँ ऐसे निकालो फिर बाद में उसमें पानी डाल के चम्मच से दबा दबा के अच्छे से भी छांस निकल जाएगी। अच्छा अच्छा उसमें आराम से। फिर थोड़ा देर बाहर रह गया ना वो नहीं हो गया फ्रिज में। तो आप कितने दिन तक चलाते हो इसको? मैं चार या पाँच, चार दिन ही चलाती हूँ वैसे अधिकतर, कभी कभी पाँच दिन बहुत है। सारा ही उसमें निकाल दो ना पहले। अच्छा सारा निकाल। हाँ फिर मेरे को थोड़ा सा मैं लड्डू के लिए ले लूँगी, दूसरे बर्तन में ले लूँगी उसे सारा निकाल दूँ। अब अलग अलग बर्तन में थोड़ा निकालेंगे। तो अभी जो लस्सी है ना मैं दही डालती हूँ, अभी लस्सी को पी सकते हैं हम, मतलब चाय पी लें चाहे झोई बना लें। ऐसी मेरी मम्मी भी जामुन लगाती है ना तब खट्टा सही रहता है, लस्सी के काम आता है। और अगर उसमें जामुन नहीं डालेंगे तो कड़वा सा होता है, कड़वा भी होता है, महक आती है उसमें। तो निकाल रहे मैं बोली लड्डू के लिए भी छोड़ जाना वासु के लिए और इसमें छोटा टिफिन तो भर ही गया फिर। हाँ अभी थोड़ा सा दबाओगे ना ये जो छाछ है इसमें डालना, गिराना नहीं। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं, हंसी ने हमको चाय पिला दी, थोड़ी देर ये बैठ गए थे, अब जा रहे अपने घर के लिए। वैसे 5:30 बजे जाना था, गीता का 2 बार फ़ोन आ गया अपने भाई के घर से, अब ये जा रहे हैं। तो चलो भाई जाओ दिवाली मनाना, अच्छे से मनाना बच्चों के साथ प्रेम से प्यार से खुश रहना। प्यार भरे लक्ष्मी जी आए तुम्हारे घर में, ठीक है फिर जाओ। ओके बाय बाय। अभी तो रवि वो आएंगे तुम्हारे घर पे है ना, गीता कह रही थी तुम भी आना। मैं कैसे आऊँगी? नहीं नहीं वही आएंगे, वो तो मेरे को हर बार आओ आओ बोलते रहते हैं। चलो ठीक है फिर जाओ। ओके बाय बाय। अच्छा ओके दीदी बाय। हाँ ठीक है बाय बाय जाओ। बाहर से आने हाँ ना धोती हूँ उसको, पालक धो के रख लेती हूँ। जो इतने दिनों से आवाज़ आ रही थी ना ये वाला घर पूरा इसमें रिपेयरिंग हो रही है, नीचे सब रिपेयरिंग हो रही है। अरे इनके पीछे पीछे आ गई है अभी तो अंदर तक कर रहे हैं ना सारे। नहीं नहीं सब हटा दिए उन्होंने। सारा झड़ रहा था उनको तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। चलो ठीक है ये जा रहे हैं सब्जी लेने, तो ये मेट्रो स्टेशन तक छोड़ेंगे। जाओ जाओ गीता आ गई वहाँ से, फिर ज़्यादा देर लगेगी ना उनको। ठीक है भाई बाय बाय। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। ओके बाय बाय। चले गए हैं अपने घर के लिए और वीडियो को भी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। भलू लगदु मोहना तेरो हंसी हंसी वचनो रे भलू।